प्यार लफ्जों में कहा। हाँ, क्या हुआ? आज तुम दोनों की बात हुई थी हयात से। मुराद ज्यादा परेशान तो नहीं है? मैं तो वहां अब कभी नहीं जाऊंगा, और वैसे भी उस कंपनी का तो बेड़ा गर्क होने वाला है। तौबा तौबा। मेरा ख्याल है दुरुग खुद से तो कभी मुराद के शेयर्स नहीं लेगा। सारी कारस्तानियां दारिया की है। सिर्फ दारिया की ही नहीं, वो जो छोटी चुड़ैल दिलजीत है ना, उसकी भी कारस्तानियां हैं। बेवकूफ औरत, बिल्कुल अपनी कॉपी ढूंढ के ला रही है वो अपने बेटे के लिए दुल्हन बनाकर। थोड़ी सी बर्फ मिलेगी मुझे। असली क्या कुछ सुना आप लोगों ने? बाहर आओ। असली, तुम मेरे फोन का भी जवाब नहीं दे रही। एक बार बात करनी है तुमसे, बाहर आओ। असली, अगर बाहर नहीं आई मैं सारे पड़ोसियों को जगा दूंगा। असली, हाय, मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा, ये सच है? उसे जाकर देखती हूँ और कह देती हूँ कि चले जाओ। अरे बेटा, तुम बाहर ना जाओ, इस वक्त वो नशे में है, तुमसे गलत बात ना कर दे कोई। अल्लाह को माने एमने आंटी, वो ऐसी हरकत क्यों करेगा? हम दुरुग की बात करें। हाय, वो आ गया। कहां जा रही हो? कहां चल दी उठ के? तुम रात के इस पहर अकेली जाकर उससे गली में मिलोगी? शर्म नहीं आती? मैं खुद जाकर देखता हूँ उसे, और अगर वो नशे में हुआ तो इसी वक्त उसे उसकी औकात याद दिला के लाऊंगा। जल्दी से खिड़की में आओ, वो कुछ करना ले। 2 घंटे से यहाँ खड़ा हूँ, जल्दी आओ यहाँ पे। असली, तमीज नहीं है तुम्हें? बिल्कुल, यहाँ इज्जतदार लोग रहते हैं। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, मुझे असली से बात करनी है। असली को बुलाओ। असली, जल्दी आओ ना। मैंने बताया ना तुम्हें, यहाँ पर इज्जतदार लोग रहते हैं। वो तुमसे बात करना नहीं चाहती, क्यों मजबूर कर रहे हो उसे? यार भाई, तुम मुझे क्यों समझा रहे हो? हाँ, गर्लफ्रेंड है वो मेरी। हाथ हटाओ अपना, बीच में मत आओ। असली, क्या बात है? शराफत से कह रहा हूँ, तुम्हारे बात समझ में नहीं आ रही, चले जाओ वरना मुंह तोड़ दूंगा। अच्छा अच्छा, ठीक है, तोड़ देना। असली, तुम आ क्यों नहीं रही? जल्दी आओ। तुझे बात समझ में नहीं आ रही, अभी बताता हूँ तुम्हें। असली के बच्चे, शराफत से किसी को समझ नहीं आता। तुम लोग क्या देख रहे हो? अंदर जाओ। हेमने आंटी देखे, चलो यहाँ से निकलो। हेमने आंटी, जमील भाई को रोके ना। बंद करो खिड़की। आजो आजो, अभी अंदर आ जाओ। आप ठीक है ना दादी जान? ठीक हूँ बेटा, ठीक हूँ। पर अब हम क्या करेंगे? समझा नहीं मैं। बेटा, दुरुग तुम्हारी तरह मजबूत नहीं है। इससे पहले तुम उसके साथ हुआ करते थे, अकेला तो वो कंपनी तबाह कर देगा। कुछ नहीं होगा। आखिर तुम सुकून से कैसे बैठे हो? दादी जान, दुरुग इस तरह नहीं समझेगा, उसे मौका दीजिए। मैं जानता हूँ सब कुछ संभाल लेगा। और आपने ही तो बताया था दादाजी कई दफा गिर के संभले, तो ये भी गिर के संभल ही जाएगा। ये सच है बेटा, लेकिन देखे, हम सरसलमास हिम्मत नहीं हारते कभी। हर बार गिर के उठना आता है हमें, आप फिक्र ना करें। दुरुग को थोड़ा टाइम दें, फिर आप खुद देख लीजिएगा। वो तुम्हारी तरह बाहिम्मत नहीं है, नहीं उठ सकेगा दोबारा। दादी जान, वादा करता हूं मैं, वो जब भी किसी मुश्किल में आया, आप मुझे उसके साथ खड़ा हुआ पाएंगी। अब तो मुस्कुरा दें, ठीक है? एक बात हमेशा याद रखिएगा, भाई है वो मेरा, बल्कि उससे भी बढ़कर। एक तुम ही हो जिस पर मुझे भरोसा है, मेरे दिल का टुकड़ा। हाँ बोलो असली। हयात, रुक, घर तो पहुंच गया ना? घर पर तो नहीं है अभी तक, नहीं पहुंचा, पर कहाँ होगा वो? तुम दुरुग के बारे में क्यों पूछ रही हो? तुम तो उससे बात नहीं कर रही ना? यार, वो थोड़ा शायद ड्रंक था और घर के बाहर आके चिल्ला रहा था। फिर तुम्हारे भाई ने जाकर उसे मारा और वो चला गया। सच कह रही हो? बदकिस्मती। बहरहाल तुम्हारा क्या रहा?
आज चक्कर आ गए थे मुझे, कावा बना रही हूँ। हयात, तुम वो क्यों नहीं सोचती जो दूसरे सोचते हैं जब लड़की को चक्कर आते हैं? क्या मसलन प्रेगनेंसी? नो, कैसी प्रेगनेंसी, पागल हो गई हो क्या? तो आपको टेस्ट करवा लेना चाहिए। क्या सच में यही वजह है? ये तो तुम जानती होगी। कल तुम मेरे पास हॉस्पिटल आ जाना ताकि हम तुम्हारे टेस्ट करवा सके। ठीक है, लेकिन ये बात अभी किसी से मत कहना। फिक्र ना करो, हम किसी से नहीं करेंगे ये बात। हमें ये बात पहले पता तो चले कि तुम प्रेग्नेंट हो भी या नहीं। चलो कल देखते हैं। ठीक है। क्या हुआ तुम्हें, फिर भूख लग गई? बाद में बात करती हूँ। भूख नहीं, चक्कर आ रहे थे ना, तो कावा बना रही थी अपने लिए। अच्छा, तुम आजकल मोटी लगने लगी हो हयात। फजूल बातें मत करो, मैंने कुछ दिन पहले वेट किया है, कोई मोटी नहीं हुई। कहीं तुम्हारा पेट तो नहीं खराब है? क्या हुआ, मुझे तुम्हारी धड़कन यहां तक सुनाई दे रही है। दिल है मेरे सीने में तो धड़केगा ही, और वैसे भी आज मैंने बहुत दिनों बाद तुम्हें खुश देखा है, तो शायद इसीलिए कुछ ज्यादा ही जोर से धड़क रहा है तुम्हें देखकर। अगर ये बात है तो आओ, चलो मेरे साथ चलो। कावा आओ ना। दुरुग, तुमने इस वक्त कॉल की, क्या हुआ है? घबराओ नहीं, ठीक हूँ। ये तुम्हारे चेहरे पे क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ, सब सलामत है। हाँ ठीक है, लेकिन तुम्हारी आंख के नीचे निशान पड़ा हुआ है दुरुग यार। कह तो रहा हूँ कुछ नहीं हुआ, क्यों परेशान हो रही हो? क्या मतलब मैं परेशान ना हूँ? हाँ, तुम रात के इस पहर यहाँ हो और वो भी नशे में धुत। हालत देखी है तुमने अपनी? पता नहीं किससे लड़कर आए हो और कह रहे हो मैं परेशान ना हूँ। यार दिलजीत, बेहतर होगा मुझसे बहस मत करो, वरना मैं यहाँ से भी चला जाऊंगा। चलो आओ, थोड़ा सा पार्क में घूमते हैं, आओ। हाँ ठीक है, लेकिन तुम पहले अंदर चलो मेरे साथ, मैं डॉक्टर को कॉल करके बुलाती हूँ। चलो संभल के। अरे संभालो खुद को। वाह दुरुग वाह, कहाँ हो तुम? अब तुम साठे के बॉस हो, तुम्हें यकीनन वहीं पर होना चाहिए अभी। इतनी कोशिशों के बाद तो तुम्हें इस मुकाम पर पहुंचा है, अब थोड़ा काम तुम्हें भी करना पड़ेगा। ये मुझसे क्या हो गया? क्या कहती हो, मुराद के जाने के बाद मैं हॉस्पिटल आ जाऊं क्या? सुनो, तुम हॉस्पिटल मत जाओ, ऐसा करो यहाँ आ जाओ हमारे पास, वहां जाकर हमारा टाइम जाया होगा। ये काम तो मैं घर पे भी कर सकती हूँ। आखिर को मैं एक नर्स हूँ, ये बात तो हम भूल गए। अरे यार, बातों में टाइम जाया करती रहोगी या यहाँ आओगी भी? जल्दी से आ जाओ ताकि हम पता कर सके कि वाकई में तुम। अरे जमील भाई बाहर से आ गए। गुड मॉर्निंग। मुझे लगता है कि तुम जरा सी मोटी हो गई हो हयात। चंदा, समझ रही हो ना, ऐसा है कि हयात, काम वाम जो नहीं कर रही आजकल तुम, तो यकीनन वजन तो बढ़ेगा ना तुम्हारा। कौन मोटा हो गया है, क्या कह रही हो तुम ये? तुम्हारा भाई भी सलाम कह रहा है। भाई को भूल के भी ये सब मत बताना तुम। हाँ वही तो कर रही हूँ। हयात की कॉल है? जी हाँ। क्या कह रही हो? मुझे क्या मालूम, कोई खास बात नहीं होगी। अच्छा तो फिर मिलके बात करते हैं, ठीक है ना? देर मत करना मजीद, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है ठीक है, खुदा हाफिज़। अम्मी? मेरी बच्ची। आप लोग यहाँ क्या कर रही हैं? आओ हमारे साथ। अभी बताते हैं। आजा शाबाश आजा। मैं तो खुद आपकी तरफ आ रही थी। यहाँ बैठ।
और ये क्या है? ये टेस्ट मशीन है। कैसा टेस्ट? खुशखबरी का टेस्ट है। असली ने बताया? नहीं नहीं। तो फिर एपिक ने क्या? भाई ने? हाँ उसी ने बताया, शायद उसने तेरी बातें सुन ली थी। अपने भाई को तो तू जानती ही है। उन्होंने फिर झूठ बोला होगा। अच्छा ठीक है, मुझे यकीन है, इसीलिए तो हम ये लेकर आए हैं। अगर उसने झूठ बोला होगा तो इससे पता चल जाएगा, और बस एक मिनट बाद सब कुछ पता चल जाएगा, तो फिकर मत कर। ठीक है, अभी अंदर रखें आप, मुराद ऊपर है। अगर उसे पता चला मैं प्रेग्नेंट हूँ तो वो परेशान हो जाएगा। तुम क्या कह रही थी? कौन प्रेग्नेंट है? हयात, क्या ये सच है? प्लीज खामोश हो जाएं। क्या तुम अपना टेस्ट करने वाली हो? हाँ ना, इसीलिए तो हम ये लेकर आए हैं। इतनी खुशी की खबर है। देखें, आप लोग थोड़ा खामोश हो जाएं, अभी कुछ कंफर्म नहीं है इसके बारे में, और ऐसे शोर मत करें। बेटा तुम कह रही थी ना कि तुम्हें काफी दिनों से चक्कर आ रहे हैं, तभी तो इनको बुलाया है। बातें बाद में भी कर लेंगे, अभी जाओ तुम। ये लो जल्दी। जा बेटा ले जा, क्या करना है इस पे सब लिखा है, हम यही इंतजार कर रहे हैं। जाओ जाओ जल्दी जाओ जल्दी जाओ। इंतजार किस बात का है, जाती क्यों नहीं हो? लेकिन ये टेस्ट मैं अभी क्यों करूं? मैं अपने हस्बैंड के साथ डॉक्टर के पास भी तो जा सकती हूँ ना। देख बेटा, ये टेस्ट तो आज ही होगा और तू अभी करेगी। अगर पॉजिटिव आया तो हम किसी को नहीं बताएंगे। सही कह रही है फरीदे। बेटा तुम खुद अपने शौहर को बताना, जल्दी जाओ बेटा। कितने दिनों बाद कोई खुशी की खबर सुनने को मिली है। अब आप जिद कर रही हैं तो ठीक है, जाओ जाओ जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। आ गए। कितने हैंडसम लग रहे हो इस सूट में, बाहर जाते हुए इसी तरह से तैयार होना चाहिए। तुम क्या छुपा रही हो मुझसे? छुपा रही हूँ? हाँ वो अम्मी लाई है। ये कोई क्रीम है, अम्मी ने लाकर दी है। किस लिए? वो बस इसलिए के इसकी गर्दन में दर्द है। क्रीम के लगाते ही इसकी गर्दन का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जाओ जल्दी जाके लगाओ इसे। जी जी ठीक है, मैं इसे जाकर लगाती हूँ। ठीक है तो फिर मैं ऑफिस जा रहा हूँ, आर्किटेक्ट आने वाला है वहाँ। तुम बेफिक्र रहो, मैं सब संभाल लूंगी। देखा मेरी गर्दन में फिर झटका आ गया। अम्मी बहुत अच्छा किया आपने क्रीम ला दी, मैं लगा लूंगी। खुदा हाफिज। ठीक है बेटा। अब चली जा। हाँ हाँ जल्दी जाओ। अरे नहीं टुअल मैम, जब तक मुराद सर नहीं आएंगे तब तक मैं जॉब पर नहीं आने वाली। ठीक कहती हो तुम बिल्कुल, लेकिन क्या कल तुमने मुराद की बात नहीं सुनी? मुराद ने कहा था सब अपने काम पर वापस जाओ, लेकिन यहाँ तो कोई भी नहीं आया। आवाज भी देखो कैसे गूंज रही है। रही है रही है रही है, सुना? पूरी कंपनी खाली है। हाँ सॉरी, जानती हूँ कि तुम अभी मेरे साथ हो। माजरत चाहती हूँ, अब मैं ऑफिस नहीं आ सकती, सो सॉरी। सॉरी। अल्लाह अल्लाह, क्या आज कोई नहीं आया यहाँ? कोई नहीं आया, आज सब स्ट्राइक पर हैं। वो खत्म नहीं हुआ था तो हम लोग क्यों आ गए यहाँ? चलो फिर वापस चलते हैं। लेकिन मैं अकेली क्या करूंगी? तो क्या मैं रुक जाऊं? मैं क्या कह सकती हूँ। अच्छा तो मैं चला जाता हूँ। तुम्हारी मर्जी। तुम बता दो रुकूं या नहीं। सीधा सीधा सवाल कर रहा हूँ, मैं यहाँ रुकूं या मैं यहाँ नहीं रुकूं, बस इतनी सी बात का जवाब दे दो मुझे। मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारे साथ रुकने का यहाँ। हाँ ठीक है, रुक जाओ। चलो रुक जाता हूँ। ऐसे क्यों देख रहे हो? हाँ तुम यहाँ काम करने रुके हो, मुझे देखने नहीं? जाकर कॉफी लाओ, लेट्स गो। तो आपको कॉफी चाहिए? यकीनन फिर आपको टोस्ट भी चाहिए होगा। टोस्ट कैसा लेंगी, चीज के साथ या मीट के? मिक्स। आपके दिमाग की तरह है ना। मेरा दिमाग मिक्स्ड है। कुछ कहा तुमने? मुझे लगा ऐसा। हाँ ऑफिस के लिए कैसी जगह है? जबरदस्त, अच्छी जगह है ये, लेकिन अगर थोड़ा सा काम हो जाए ना तो और अच्छी हो जाएगी।
मुझे कुछ और भी कहना है तुमसे करीम। हाँ कहो मुराद। बोलते क्यों नहीं? मुझे लगता है हयात प्रेग्नेंट है। अच्छा क्या वाकई में हयात प्रेग्नेंट है? इस पे तो झप्पी बनती है मेरे यार जबरदस्त। अरे सबर तो करो अभी पक्का नहीं है यार। कैसे सबर करूं? मैं चाचा बनने वाला हूं यार, मुझे बहुत खुशी हो रही है। और मैं भी बाप बनने वाला हूं। बाप बनने वाला हूं मुझे यकीन नहीं आ रहा। हाँ यार तुम तो बाबा बनने वाले। लेकिन अभी उसने मुझे बताया नहीं। मेरा ख्याल है हयात तुम्हें ये सरप्राइज वैलेंटाइन डे पर ही देगी, क्योंकि वही स्पेशल डे है। फिर तो उस दिन के लिए कुछ प्लान करना होगा। सोचना क्या है कि अच्छा सा प्रोग्राम रखो उसके लिए। ओके। तुम बाप बनने वाले हो ना? मुझे तो यही लगता है। मुझे तो यकीन ही नहीं है। ओहो मेरी बच्ची हयात, क्या हो गया? क्या कर रही है इतनी देर से? अरे इस टेस्ट में इतनी देर थोड़ी लगती है, क्या कर रही हो अंदर बताओ ना। इस पर तो दो लाइंस आई हैं, इसका मतलब ना ही है ना? अरे टेस्ट पॉजिटिव आ गया मेरी बच्ची। अरे वाह बहुत खुशी आएंगी अब तो घर में। हाँ प्रेग्नेंट हूँ मैं। मुबारक हो मेरी बच्ची। बहुत बहुत मुबारक। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो बेटा। जीती रहो। मैं नानी बन जाऊंगी। हंसो हंसो खुलकर हंसो, ज्यादा दिनों तक ये खुशी नहीं रहेगी। अब आप बिल्कुल ठीक हो गई हैं, इंशाल्लाह आपको हॉस्पिटल नहीं आना पड़ेगा। असली 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 एक मिनट रुको, मुझे तुमसे बात करनी है। आखिर तुम्हारी बेरुखी की क्या वजह है? मैंने क्या किया है? अपनी बात समझाने का तुमने मुझे मौका ही नहीं दिया। तो मैं क्या करती दुरुक? तुम्हें शाबाशी देती कि तुमने इतना अच्छा काम किया। तो क्या ये जरूरी था कि तुम मुझे छोड़ दो? दुरुक चले जाओ यहाँ से, हॉस्पिटल है ये। आज मैं अपनी बात के बगैर यहाँ से नहीं जाऊँगा। असली ऐसा क्या हो गया है दुरुक जो तुम मुझ पर इतना गुस्सा हो रहे हो? हाँ रिलैक्स हो जाओ और जाओ यहाँ से। मेरी बात सुने बगैर नहीं जाओगी? कुछ हुआ है क्या? जाओ अपना काम करो। नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं हैंडल कर लूंगी। तुम्हारी वजह से मेरी क्या हालत हो गई और तुम कहती हो कि मैं यहाँ से चला जाऊँ? असली तुम मुझे उस जुर्म की सजा दे रही हो जो मैंने नहीं किया। दुरुक क्या कर रहे हो तुम? मुझे तकलीफ पहुँचा रहे हो यार। तुमने मुझे जो तकलीफ दी है उसके आगे ये कुछ नहीं। दुरुक छोड़ो मुझे, ये क्या बेवकूफी है? जो कुछ तुमने किया इसका इल्जाम मुझको दोगे क्या? तुमने भी मुझ पर गलत इल्जाम लगाया है। देखो ये मेरी जॉब की जगह है और तुम मुझे यहाँ पर शर्मिंदा किए जा रहे हो। प्लीज यार असली जितना मैं शर्मिंदा हुआ हूँ उस बात का तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। हटो पीछे। आप यहाँ से चलें बेहतर यही होगा। चले जाओ यहाँ से। असली 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 या अल्लाह असली खा मेरी बच्ची खा, बस थोड़ा सा और ले जल्दी से। अम्मी सब बहुत हो गया है। हयात ये लो तुम ये खाओ, ही तुम्हें अच्छा लगेगा। रखे मैं खा लूंगी, लेकिन ये खबर मुराद को कोई नहीं बताएगा क्योंकि ये खबर मैं उसे खुद दूंगी, वैलेंटाइन डे पर दूंगी क्योंकि ये हमारा पहला वैलेंटाइन है। बिल्कुल ठीक है बेटा, लेकिन ये तो पी। और खास तौर से आप। मैं कैसे बताऊंगी उसे? मैं तो अभी अपने घर चली जाऊंगी, उससे मुलाकात ही कहाँ होगी मेरी। ठीक है तुम सही कह रही हो, तुम ही बताना अपने प्रेग्नेंट होने का, लेकिन थोड़ा सा ये खा लो। खाओ जल्दी ये लो शाबाश। एक मिनट रुके। क्या हुआ हयात बेटा? तुम ऐसी क्या बात कर रही थी कि मेरे आते ही चुप हो गई तुम? क्या लेना देना आपको इससे? ठीक है इसका मतलब तुम मुझे नहीं बताओगी। खैर तो फिर मौजू बदल दे। एमने साहिबा। हाँ बोले। हशमत साहब कहाँ हैं? आपकी खामोशी का मैं यही मतलब समझूं कि आप तो जैसे जानती ही नहीं कि आपके हशमत बाबा कहाँ हैं? आप तो बड़ा कहा करती थी कि मुझे सब कुछ मालूम होता है अपने खानदान का।
दारिया साहिबा, आपको इससे कोई गर्ज नहीं कि वो कहीं भी गए हों। सुकून देंगी तो सुकून मिलेगा। अम्मी चुप हो जाएं, ध्यान मत दें। कहीं भी जाएं उनकी मर्जी है, बस वो थोड़ा अकेला रहना चाहते थे। कितने मासूम हैं आप सब लोग। देखें, मैं बहुत फिक्रमंद थी उनके लिए, तो मैंने अपने तौर पर थोड़ी बहुत खोज की तो मुझे मालूम हुआ कि वो कहाँ है। दारिया, देखा आपने कैसे मदाखलत की इन्होंने, क्योंकि ये जानती हैं कि हयात के अशमत दादा कहाँ हैं। मेरी तो समझ में नहीं आता तुम किस किस्म की औरत हो, हमेशा खुशी के वक्त आके रंग में भंग डालती हो। अस्मी साहिबा, आप खुद ही बता दें, बस थोड़ी हिम्मत करें। अच्छा, आप सिर्फ मेरे कुछ सवालात के जवाब दे दें। पहला सवाल ये कि हशमत दादा के कपड़े आपके कमरे में क्या कर रहे थे? दादी जान, हशमत साहब हॉस्पिटल में है। हॉस्पिटल? वो कुछ अरसे से ज्यादा बीमार थे और वो खुद नहीं चाहते थे कि इस बारे में किसी को मालूम हो। कुछ दिन पहले उनका एक ऑपरेशन हुआ था, लेकिन अब वो ठीक हैं। इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा। हाँ, तो अंदाजन बता दीजिए इस जगह को ऑफिस बनने में कितना टाइम लग जाएगा। अगर हम अभी से काम शुरू करें तो एक दिन लग जाएगा। क्या और जल्दी नहीं हो सकता? नहीं सर, इससे पहले मुमकिन नहीं। ठीक है, तो फिर डील डन हुई आपसे, लेकिन मुझे रंगों के मामला समझ में नहीं आते। मैं अपनी वाइफ से पूछ के आपको बता दूंगा। ओके, ठीक है सर। उसी का फोन है। एक्सक्यूज मी प्लीज। हयात, जल्दी से बताओ, ब्लैक या ब्राउन? मुराद, ये क्या कह रहे हो? ऑफिस की थीम पूछ रहा हूँ यार तुमसे। ये बातें हम बाद में करेंगे, अभी मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ। हॉस्पिटल क्यों? बच्चे को कुछ हुआ है क्या? कौन सा बच्चा? दादाजी के लिए जा रहे हैं। दादाजी? कौन से दादाजी? क्या हशमत दादा को कुछ हुआ है? वो काफी दिनों से हॉस्पिटल में है, इसीलिए उन्होंने हमसे कोई रابطہ नहीं किया और उनका ऑपरेशन भी हुआ है। दादी जान ने बताया है कि अभी वो ठीक है, लेकिन फिर भी हम उन्हें मिलने जा रहे हैं। दादी जान को कैसे पता चला? वो किसी को बताए बगैर खुद ही उनकी मदद कर रही थी। ओके, ठीक है, आता हूँ हॉस्पिटल में। अरे, मैंने तो उसे बताया ही नहीं कि वो कौन से हॉस्पिटल में है। अच्छा, चले जल्दी चले। कहाँ है सब? हाँ, कहाँ चले गए सब लोग? What? चिल्ला क्यों रहे हो? कोई नहीं है, पूरी कंपनी खाली है। ये सब कैसे हुआ दुर्ग? ये तुम्हारे हाथ पर? हाथ मत लगाओ टुअल, ये सब लोग कहाँ चले गए? ब्रावो, तुम्हें तो अपने किए पर फखर होना चाहिए दुर्ग। सारे में तुम्हारे लिए अब सिर्फ उल्लू बोलते हैं और इस सब की वजह तुम हो। मैं और इस कंपनी में कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो किसी भी शर्त पे तुम्हारे साथ काम करना चाहता हो। क्या ये सिर्फ उनका फैसला है? मुझे भी तो पता चले आखिर मेरा कसूर क्या है जो वो लोग बाहर ऐसी हरकतें कर रहे हैं। इसका तो तुम्हें पता होना चाहिए, ये सब मुझसे क्यों पूछ रहे हो? जब मुराद तुम्हारे नाम शेयर्स कर रहा था तब क्यों नहीं सोचा तुमने? कोई जवाब नहीं है ना, क्योंकि तुम्हें यहाँ का बॉस कहलाने का नशा था, समझे? चलो, अगर मैं बॉस बनना भी चाहता हूँ तो इसमें क्या बुराई है? क्या मैं भाई से कम हूँ? इस सवाल का जवाब दे सकती हूँ। मुराद सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि सबके लिए सोचता है। अगर वो तुम्हारी जगह होता तो वो ये शेयर्स कभी नहीं लेता, क्योंकि हमेशा उसने तुम्हें अपना भाई समझा है दुरुक। तुम भी चली जाओगी? तुम भी मुझे अकेला छोड़ दोगी? नो, मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन तुम्हारे लिए नहीं। अगर आज मैं यहां हूं तो सिर्फ मुराद की वजह से हूं, क्योंकि उसने कहा था कि कुछ भी हो जाए टुअल, मेरे भाई को कभी अकेला मत छोड़ना। और यही फर्क है तुम दोनों में।
हाँ, वो इस रूम में है। इस रूम में एडमिट है। हम सबके होते हुए दादा जान अकेले क्यों रहे? इतने दिनों से बाबा यहाँ अकेले थे, बताया क्यों नहीं हमें किसी ने? पता होता तो कुछ कर ही लेते। हयात, मुराद, दादा जान इस कमरे में है। उन्होंने इतना सब कुछ अकेले सहा और हमें कुछ भी नहीं बताया। अरे तो परेशान मत हो, अभी मिल लेते हैं उनसे। अब जल्दी अंदर चलो प्लीज। चलो चलें। दादा, बाबा कहाँ चले गए? मेरे बाबा कहाँ चले गए वो? चलो। अरे क्या कहीं दादा चल पाते? देखें, घबराएं मत, शायद उन्हें किसी दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दिया होगा। बात सुनो बेटा, यहीं पे थे ना वो पेशेंट मिस्टर हशमत? कहीं वो? नहीं नहीं, सब कुछ ठीक है, वो आज सुबह चले गए। गुरमत ने आपको बताया नहीं था? गुरमत ने मुझे तो उनके जाने का नहीं बताया। इसका मतलब आपको दूसरी बात भी मालूम नहीं होगी। बात सुने सिस्टर, हमें साफ साफ क्यों नहीं बता रही ये दूसरी बात क्या है? हशमत साहब ने कल उससे शादी कर ली। क्या? क्या ये बात सच है? जी सर। वो लड़की जो उनके साथ थी गुरमत, उसी से की है ना शादी? हम पर रहम कर या अल्लाह। इधर आओ। वो आपके लिए लेटर छोड़ के गए, लेकर आती हूँ। दादी जान, मुझे बहुत सारी नई चीजें लेनी है। सबसे पहले तो मैं शॉपिंग करूंगी। दुरुक, बेटा तुम कहाँ हो? कल रात तुम घर पर नहीं आए। बस कर दे अम्मी, अब ये सब कुछ मुझसे नहीं होता। अब आगे मैं और काम नहीं कर सकता। शेयर्स वापस कर रहा हूँ मैं भाई को। दुरुक बेटा, तुम शेयर्स वापस नहीं करोगे, और अगर तुम पहले दिन ही हिम्मत हार गए तो ऐसे कैसे चलेगा? अम्मी, इस वक्त कंपनी में मैं बिल्कुल तन्हा पड़ चुका हूँ। सब लोग मेरे खिलाफ है, कोई कंपनी में काम करने के लिए तैयार नहीं है। और मैं आपकी क्यों सुनूं कंपनी के शेयर्स के हवाले से? बेवकूफ नहीं हूँ, ठीक है अम्मी? दुरुक बेटा, पहले तो तुम रिलैक्स हो जाओ और घर आ जाओ, हम इत्मीनान से बात करते हैं। देखो, हम दूसरे वर्कर्स रख लेंगे, बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें काम की जरूरत है, हल निकल जाएगा। तुम पहले घर तो आ जाओ बेटा, चलो जल्दी आ जाओ। दादी जान, क्या आप इसे खोलेंगे नहीं? फोन बंद है उनका। हनीमून पे गए होंगे। बकवास बंद कर, बाबा जान का सोचकर मेरा बीपी बढ़ गया है। तू उन्हें हनीमून पर भेज रही है? तौबा तौबा। मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हैं आप? मैं चलता हूँ आपके साथ। नहीं, रहने दो, मैं खुद चली जाऊंगी। क्या ख्याल है, ये खत खोलना चाहिए ना? हद कर दी आपने बाबा, हद कर दी। इतनी पुरानी मोहब्बत इस तरह छोड़ दी। फिलहाल हमें दादी जान को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। अम्मी, आप ठीक तो है ना? ठीक हूँ बेटा, बस बीपी हाई लग रहे है। दोबारा आपका बीपी चेक कर लो। नहीं, रहने दो, कम से कम चाय तो पी लें। क्यों क्यों नहीं पीऊंगी, तूने रोजा रखवा दिया है मेरा।
पहले वो शौहर के गम, उससे जान छूटी नहीं तो बाबा ने गम देने शुरू कर दिए। कभी नहीं छूटेगा मेरा पीछा इनसे। बारी बारी गम देते हैं मुझे ये लोग। अगर हमें पता होता कम से कम हम लोग कुछ ना कुछ तो करते। बात सुन, अगर पता चल भी जाता तो क्या करना था? छत पे जाके तुझे अकेले में डिस्को डांस करना था? ठीक है, लेकिन मैंने ऐसा क्या कर दिया? मेरा इसमें क्या कसूर है जो आप मुझ पर गुस्सा कर रही हैं इस तरह? कुछ नहीं, लेकिन मेरा दिल चाह रहा है कि बस ये जो कुछ भी हुआ है ना, अच्छा नहीं हुआ। भाई आप क्या कर रहे हैं, छोड़ दीजिए इसे। मेरे ख्याल से हमें इसे खोल कर पढ़ना चाहिए। हमें पता तो चले कि आखिर शादी करने की वजह क्या थी। हम इसे कैसे खोलेंगे? इसे हम बहुत एहतियात से खोलेंगे और पढ़कर इसे वापस ऐसे ही रख देंगे। एक मिनट, ये लेटर शायद मेरी दादी जान का है। मैंने तो सिर्फ आइडिया दिया है, वरना मुझे इससे क्या लेना देना। ये फोन तूने जेब से क्यों निकाला है? बाबा को फोन करूंगा। वो क्यों? खानदान का कोई भी राज मैं बाबा से हरगिज नहीं छुपा सकता। अगर उन्हें पता चल गया कि मैंने उनसे कुछ छुपाया है तो मेरी शामत आ जाएगी। यहाँ की हर बात बाबा को मालूम होनी चाहिए। मैं अभी फोन का स्पीकर ऑन करूंगा ताकि उनकी बात भी आप लोग सुन सके। देख, अगर फोन उठा लिया और उल्टी सीधी बात की तो मेरा दिमाग घूम जाएगा। देख, कोई गलत बात नहीं होनी चाहिए, फिर कह रही हूँ तुझे मैं। बस 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 बस, अब ये मेरा मसला नहीं है, बहुत हो गया। हेलो जमील, अब क्या हुआ? अस्सलाम वालेकुम बाबा। हमारे पास आपके लिए एक बहुत जरूरी खबर है बाबा। हशमत दादा ने शादी कर ली है। मुझे पता है इस बात का, मेरी बात हुई थी बाबा से। मुबारक हो तुम्हें बेटा। आपको भी मुबारक हो। ये खबर सुनकर हम लोग तो सकते में आ गए थे और आप मुबारकबाद दे रहे हैं। हाँ, आपने ये बात कैसे हजम कर ली? आपकी सिर्फ बात हुई है उनसे, लेकिन उन्होंने आपको बुलाया क्यों नहीं? मुझे तो तुम्हारी आदतें समझ में नहीं आती। उन्होंने शादी कर ली तो कौन सी बुरी बात है? तुम्हारे दादा फ्लर्ट करते हैं, तुम्हारा बाप फ्लर्ट करता है, तुम पता नहीं किस पे गए हो। बेटा, फ्लर्ट करना तो हमारे खून में है। देखा कैसी बातें हो रही हैं? बाबा जान, वो मोबाइल का स्पीकर ऑन है, पूरा घर बैठकर सुन रहा है, तो थोड़ी सी एहतियात करें। तुमने स्पीकर क्यों ऑन किया है? आपको खबर जो देनी थी। आप स्पीकर बंद करके बात नहीं कर सकते? रुक जा, अब अगर तूने स्पीकर बंद किया ना तो छोड़ूंगी नहीं तुझे मैं। हाथ नहीं लगाएगा तू मोबाइल को। अब जो बात शुरू की है उसे खत्म कर, समझा? चलो दादा को छोड़ो बेटा, ये बताओ तुमने बच्चे का क्या किया? अपनी माँ को राजी कर लिया ना? वो मेरा बच्चा है, उसको ये बात पता नहीं लगनी चाहिए। बेटा, तुम पर भरोसा किया है मैंने हमेशा। बाबा जान, आपको तो अपने भी राज छुपाने नहीं आते। आपके होते हुए वैसे मुझे किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है। ठीक कहा ना अम्मी? इस आदमी पे मुझे कभी एतबार नहीं था, देखा इसने करके दिखा दिया। लाए, मैं बात करता हूँ। लाइए असली और एपिक्स राइडर से आके पकड़ो इसको, जाने नहीं देना। अम्मी, मेरी बात सुनो। कोई गलती नहीं। हेलो, उधर क्या हो रहा है? हाँ सफीर अंकल, कैसे हैं आप? कौन बोल रहा है? मैं आपका दामाद मुराद। हाँ, मेरे बाबा तुम्हारी बहुत तारीफ करते हैं, वो कहते हैं बड़ा अच्छा आदमी है। मैं वापस आकर तुमसे जरूर मिलूंगा। शुक्रिया, लेकिन ये मुश्किल है मेरे ख्याल से। क्या बोलना चाह रहे हो? कहने का मतलब ये है कि आपका यहाँ आना मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? एक दफा सफीर, एक दफा तुम कहीं मिल जाओ तो देखो मैं क्या करती हूँ। वो हॉल करूंगी तुम्हारा कि दुनिया देखेगी तुम्हें। एमीने। जी हाँ, मैं आपको यही कहने वाला था कि जो कुछ आपने कहा वो सब कुछ सुन लिया गया यहाँ पे। एमीने? हाँ एमीने। अब ऐसा मत कहना कि एमीने ने सब सुन लिया है। जी हाँ, सब सुन लिया है। बाबा आपने क्या कर दिया? बेटा, अब मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा भाई जिंदा बचेगा। हयात, तुम्हारा भाई अब तुम्हारे हवाले है। और बेटा, मुझे फोन मत करना, मैं एक लंबे ट्रिप पे जा रहा हूँ। ठीक है, अपना ख्याल रखना। देखती हूँ कैसे जाता है। यहाँ आ तू झूठे, इतना बड़ा झूठ। तूने अपने बाप का बच्चा मेरी गोद में डालना चाहा, अपना बच्चा बना के। हाँ, अरे लग रही है अम्मी, लग रही है। ऐसा कुछ नहीं किया, मुझे क्यों मार रही है इतना सारा? नहीं, मेरी बात तो सुने, बाबा की गलतियों की सजा मुझे क्यों देनी है? इसका मतलब तू बाप से मिला हुआ था है और मुझसे झूठ बोलता रहा? अरे अम्मी, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे क्यों मारने जा रही है? मैंने कुछ भी नहीं किया, जैसा बाबा ने मुझे कहा था मैंने बस वही किया। मैंने एक अच्छा बेटा होने का सबूत दिया। अगर आपको इतना मारना है तो जाकर बाबा को क्यों नहीं मारती आप? उसे मैं मारूंगी। लग रही है, लग रही है। अरे अम्मी, आपको तो मालूम है कितना मासूम हूँ मैं। हाँ, तू
तो दूध पीता बच्चा है, बहुत मासूम है ना। अरे मेरी गलती नहीं है मेरी, मैं आपको किस तरह समझाऊं, मैंने आपको कितनी बार बताया है। ऐसे ही पकड़ के रखना इसको, तुम दोनों ने मेरे आने तक इसको छोड़ा ना, तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी मैं। आती हूँ मैं, अल्लाह पूछेगा तुझे। छोड़ो इनको ताकि जल्दी जाएं, जल्दी जाएं, भाई भाग जाएं आप यहाँ से। मैं नहीं छोड़ सकती, मुझे मारेंगी। जान से मार दीजिए, मुझे मरते हुए देखना चाहती हूँ। छोड़ो मुझे, कोई माँ इतना भी मारती है कि अपने बच्चे को। गए कहीं का नहीं छोड़ा मुझे बाबा, आपने कहीं का भी नहीं छोड़ा, बर्बाद कर दिया है आपने मुझे, एक एक चीज मुझसे छीन ली है मेरी, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे अल्लाह और देगा। पता नहीं वो कौन सी मुश्किल घड़ी थी जब मैं आपके लिए यहां पर आया। गौरत करे ऐसी झूठी औलाद को, आज तो मैं इसकी टांगे ही तोड़ दूंगी। देखो जरा, तुझे बताती हूँ। अरे कहाँ चला गया? रिलैक्स हो जाए, एक मिनट, ये मुझे दे, यहाँ आए, जाओ इसको रख के आओ। हाँ ले जा रखती हूँ। परेशान नहीं हूँ अम्मी, आप बैठ जाएं। या अल्लाह, रिलैक्स हो जाए। अरे कैसे ना हूँ, सांस फुला ली इन्होंने। कहाँ गया तू जमे? आराम से बैठिए, प्लीज बैठिए। प्यार लफ्जों